हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हमें लास्ट क्लास में जो जेनेटिक्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, तो जेनेटिक्स के लिए जो मेंडलिज्म था, या फिर कहें कि जो मेंडल के लिए जो थ्योरी थी, या फिर कहें उसके जो रूल्स थे, उनको हमें एक्सप्लेन करने से पहले कुछ ये कहें टर्म्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो टर्म्स थी उनको अब आगे यूज में लेना है, और यूज में लेने के लिए ये देखिए मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट और रूल्स हैं। तो मेंडल ने जो जेनेटिक्स से रिलेटेड जो रूल थे वो तीन रूल दिए थे, यानी मेंडल के जो रूल थे उनको हमने कहा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंसी, इनहेरिटेंसी के मेंडल के रूल। और मेंडल ने थ्री रूल्स दिए थे, थ्री लॉ या रूल्स जो है वो मेंडल ने दिए। अब देखिए यहाँ पर जो थ्री रूल्स हैं, इनमें से फर्स्ट था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी का है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी फर्स्ट रूल। सेकंड जो रूल था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो अदर नेम है वो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड रूल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोलमेंट। ये थ्री रूल्स थे जो मेंडल ने प्रपोज किए। इनमें से जो फर्स्ट टू रूल्स थे ये दो, ये है मोनोहाइब्रिड पर, यानी जो फर्स्ट टू रूल है ये है मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड पर। और ये है जो हम ये कहें थर्ड जो रूल था, थर्ड रूल दिया था डाई हाइब्रिड के बेस पर, डाई हाइब्रिड। तो जो डाई हाइब्रिड के बेस पर या मोनो हाइब्रिड के बेस पर जो रूल्स दिए, इनमें देखिए मोनो हाइब्रिड के अंदर एक सिंगल जो अपोजिट जो करेक्टर रहता है उसको यूज में लिया गया। डाई हाइब्रिड के अंदर टू करेक्टर्स रहे उनको लेते हुए हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस की और रूल जो है वो प्रपोज किए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि मोनो हाइब्रिड है और इससे रिलेटेड रूल फर्स्ट यानी टू रूल्स हैं, इनका हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखिए अब मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये कहेंगे कि जो वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है उसको बेस मान करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट में देखिए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, इसका ना अपोजिट जो करेक्टर है उनको लेंगे हम। इसके बाद हम बात करें कि मोनोहाइब्रिड है इसलिए सिंगल करेक्टर को यूज में लेंगे। इसके बाद इसका जो F1 जनरेशन है, F2 जनरेशन है, इसके बाद इनको रेशियो और रूल्स जो रहते हैं उनको देखेंगे। जब भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है, तो देखिए जो टर्म्स में हमने लिखा था कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पेरेंट्स हमेशा प्योर होते हैं, तो प्योर होंगे प्योर पेरेंट्स या होमोजाइगस पेरेंट्स होते हैं। तो प्योर या होमोजाइगस पेरेंट्स हैं इसका मतलब है कि एक सिंगल पेरेंट में यानी मदर या फादर में जो एलिल होंगे वो बोथ एलिल सेम कंडीशन के रहेंगे, या डोमिनेंट रहेंगे बोथ एलिल, या फिर कहें रिसेसिव रहेंगे। तो इस स्थिति को ये देखें, तो अब देखिए कि हमें ये एक्सपेरिमेंट है इसको देखते हैं। तो यहां पर हम ये कहें कि ये पार इस तरीके, देखिए पेरेंट्स के अंदर हम मेल या फीमेल में से कोई भी ले सकते हैं। जैसे डोमिनेंट मेल ले सकते हैं तो रिसेसिव फीमेल होगी, हम रिसेसिव मेल लेंगे तो डोमिनेंट फीमेल होगी। तो कैसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो हम ये कहें कि मेल। इसके बाद देखिए यहां पर यदि बात करें तो ये कैसे हैं टार, और ये भी होमोजाइगस या प्योर, प्योर टाल, या फिर कहें हम इसको ये कहें जाइगस टाल, कोई सा वर्डिंग यूज ले सकते हैं दोनों में से, प्योर टाल या होमोजाइगस टाल प्लांट जो है
ये हो गए। इसके बाद यदि हम देखें, देखिए प्योर क्यों कहा कि बोथ एलिल कॉमन है, सेम है, ये कैपिटल है तो ये भी, यानी ये डोमिनेंट तो ये भी है, अदर जो एलिल्स है वो भी डोमिनेंट ही है। तो ये जो पार्ट है, अब देखिए डोमिनेंट कैसे होते हैं इसको देखेंगे, वो एफ वन पी डी के बाद हमें शो होगा कि हम डोमिनेंट लिखें इसकी जगह या फिर रिसेसिव लिखें। हमने इधर से मेल लिया तो इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर में लेंगे फीमेल, इस तरीके से। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब इसके ठीक अपोजिट रहेगा, ये टॉल है तो ये ड्रॉप रहेगा। तो यहां पर देखिए कि ये जो है वही प्योर ड्रॉप। इसके बाद हम ये कहें कि ये भी कैसा है, होमोजाइगस, होमोजाइगस क्यों कहा कि ये एलिल और ये एलिल दोनों सेम एलिल हैं। यहां पर मेल है तो दूसरा रहेगा फीमेल, और यदि इनकी बात करें तो ये दोनों हुए पेरेंट्स, पेरेंट्स, और पेरेंट्स जो हैं हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा पेरेंट्स हैं वो प्योर होते हैं। तो इधर से ये प्योर है, इधर से ये प्योर है। यहां तक का टॉपिक है, कॉमन है कि हमें जो पेरेंट्स है वो कैसे लेने। इसके बाद जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, देखिए मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट हम क्या करें पाइसम सेटाइवम पर कर रहा था, तो उसमें उसने एक टॉल प्लांट लिया और वो भी प्योर, जो अदर जो जिससे इसका रिप्रोडक्शन करवाना था वो ड्रॉप लिया लेकिन वो भी प्योर ही था। अब ये जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं तो उससे पहले यहां पर होता है गैमेटोजेनेसिस, देखिए गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और जब गैमेटोजेनेसिस या मियोसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस या फिर इसी का जो अदर नेम है वो है मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस की प्रोसेस में क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। तो इधर यदि बात करें तो ये जो क्रोमोसोम है यहां पर ये कहें पेयर में, तो इधर वन क्रोमोसोम या वन एलील होगा, ये एक इधर तो दूसरा इधर, यानी एक एलील एक गैमेट्स में, तो अदर जो सेकंड एलील है वो ये कहें कि जो सेकंड एलील बनेगा उसमें ट्रांसफर होगा। अब हम बात करें इधर से फीमेल की, तो फीमेल में भी यही है, ये और ये, इस तरीके ये जो स्ट्रक्चर बनी, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैमेट्स, गैमेट्स, दिस गैमेट्स फीमेल गैमेट्स एंड दिस गैमेट्स मेल गैमेट्स। अब यहां पर हम बात करें कि दोनों जो गैमेट्स हैं इनमें जब पोलिनेशन की प्रोसेस होगी, या फिर इसको कहें कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो यहां पर बात करें पोलिनेशन, और वो भी क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन, देख क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस का अर्थ ये हुआ कि मेल एंड फीमेल सेम प्लांट के नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के हैं। एक प्लांट से मेल गैमेट्स है तो अदर जो दूसरा जो प्लांट है उससे फीमेल गैमेट्स रहेगा। तो ये प्रोसेस होती है क्रॉस पोलिनेशन। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, यदि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों सेम प्लांट के हों तो उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। नहीं, प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर फ्लावर में बनती है, तो एक फ्लावर में दोनों स्ट्रक्चर बनती है, जैसे ह्यूमन में ऐसा नहीं है, ह्यूमन के अंदर मेल अलग स्ट्रक्चर है फीमेल अलग है, प्लांट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि मेल गैमेट्स एक प्लांट के तो फीमेल गैमेट्स दूसरे प्लांट के हैं, क्रॉस पोलिनेशन, और सेल्फ पोलिनेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेम प्लांट के हैं। तो यहां पर बात करें कि जब पोलिनेशन की प्रोसेस होती है
तो यहां पर जो प्रोजेनी जो या ऑफ स्पेरिंग जो प्रोड्यूस होती है उस प्रोड्यूस में देखिए एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट्स से फ्यूज होता है। मेल गैमेट्स में ये स्ट्रक्चर फीमेल गैमेट्स में ये स्ट्रक्चर दोनों को हमने एक साथ कर दिया ये यहां पर प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाती है ऑफ स्पेरिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब यहां पर देखिए कि हमने यहां पर ये जो लिखा है ऑल प्लांट इज टाल या फिर ऑल प्लांट टाल जो रहते हैं। अब इसके अंदर देखिए ये कैसे हेट्रोजाइगस क्योंकि ये एलील डोमिनेंट होमोजाइगस हेट्रो होमो नहीं हेट्रोजाइगस हेट्रो जाइगस। देखिए ये हेट्रोजाइगस क्यों हुआ कि ये कैपिटल एक स्मॉल दोनों डिफरेंट है। हेट्रोजाइगस एक एलील डोमिनेंट है तो अदर सेकंड एलील रिसेसिव है और एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील यदि एक साथ प्रेजेंट है तब उस कंडीशन को हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो यहां पर जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है और जो पेरेंट्स थे वो होमोजाइगस थे। तो यहां पर जो ऑल जो ऑफ स्पेरिंग है यानी ऑल प्लांट आर टाल या फिर कहें ऑल ऑफ स्पेरिंग आर टाल स्पेरिंग आर टाल। तो यहां पर देखिए कि ये जो ऑल ऑफ स्पेरिंग है वो टाल है। अब ये सभी ऐसे क्यों हैं तो अब इसको देखिए मैं थोड़ा साइड में बताता हूं कि ये जो गैमेट्स है मेल गैमेट्स एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा। तो यहां पर ये मेल गैमेट्स यदि इस फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है तो स्ट्रक्चर ये बनेगी इसका फ्यूजन इससे हुआ। अब हम बात करें इसका फ्यूजन इससे न होकर इससे यानी एक मेल गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट से फ्यूज हो सकता है या एक फीमेल गैमेट किसी भी मेल गैमेट से फ्यूज हो सकता है। तो जितनी भी जो प्रोबेबिलिटी होती है उन सभी को शो करना होता है। यदि ये इससे फ्यूज होता है तो स्ट्रक्चर ये बन यदि ये इससे होता है तो स्ट्रक्चर ये और ये इससे होता है तो स्ट्रक्चर ये यानी सभी की स्ट्रक्चर कॉमन होती है। इसीलिए हमने ये लिखा कि सभी जो प्लांट होते हैं वो टॉल प्लांट होते हैं। अब देखिए इसके अंदर ये जो पेरेंट्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो ऑफ स्पेरिंग जो प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं एफ वन जर्नेशन एफ वन जनरेशन। तो ये जो ऑफ वन जर्नेशन हो गई है। अब यहां पर देखिए एफ वन जर्नेशन के जो प्लांट रहते हैं इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं तो इनमें होगी सेल्फ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब सेम प्लांट के मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे तो जैसे मेल ये हैं वैसे ही फीमेल होंगे। देखिए हम प्लांट चेंज नहीं कर रहे एक प्लांट में जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या एलील होती वो सेम होती। देखिए इसमें ये है इस प्लांट में ये है इस प्लांट में ये है तो इस प्लांट की किसी भी सेल को देखेंगे सभी सेल्स में यही मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि एक प्लांट है एक सिंगल प्लांट के मेल एंड फीमेल गैमेट्स में जब फ्यूजन की प्रोसेस करवाएंगे पोलिनेशन करवाएंगे तो इसका नाम मेल एंड फीमेल दोनों कॉमन है और ये है और किसमें एफ वन में करवाएंगे। तो यहां पर जो सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस होगी तो सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस होती है तो यहां पर देखिए गैमेट्स की बात करें मेल में गैमेट्स यानी ये स्ट्रक्चर है जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो स्ट्रक्चर ये बनेगी। फीमेल है फीमेल भी इसी टाइप से है जब गैमेट्स बनेंगे तो स्ट्रक्चर ये बनेगी। तो हम ये कहें मेल में और फीमेल में इस टाइप के गैमेट्स बनेंगे एक मेल गैमेट्स एक फीमेल से फ्यूज होगा। तो उसी प्रकार से देखिए हम वही स्थिति बनाते हैं कि यहां पर बात करें
एक मेल एंड एक फीमेल जो है, यानी कंडीशन ये कहें कि जैसे ये है, नहीं इसको चेकर बोर्ड जो मेथड रहता है उससे शो करते हैं इस तरीके। एक तरफ हम कहें मेल गैमेट्स होते हैं उनको शो करेंगे और दूसरी तरफ जो रहते हैं उनको फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनको शो करेंगे। तो यहां पर देखिए कि एक साइड जो है मेल गैमेट्स हैं तो दूसरी साइड जो है वो फीमेल गैमेट्स हैं ऐसे। तो ये जो है गैमेट्स रहेंगे, इधर यदि हम बात करें फीमेल है तो फीमेल गैमेट्स के अंदर बात करें तो एक गैमेट्स ये है और दूसरा गैमेट्स ये, ऐसी फीमेल है तो एक इधर आएगा और दूसरा इधर। यदि मेल की बात करें, मेल गैमेट्स तो ऐसा ही मेल है तो इसके अंदर एक ये रहेगा और दूसरा ये रहेगा। अब देखिए बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है कि एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट्स से फ्यूज होता है, इससे फ्यूज होता है तो स्ट्रक्चर ये आएगी। यदि ये मेल गैमेट्स है इससे नहीं होकर इससे फ्यूज होता है तो स्ट्रक्चर ये आएगी। ऐसे ही ये फ्यूज नहीं होकर ये फ्यूज होता है तो इससे ये आएगी और ये इससे होता है तो ये आएगी। अब इनके करेक्टर की बात करें तो देखिए इधर से यदि हम बात करें इसकी तो ये कैसे रहेंगे टाल, ये इनमें से देखिए टाल और ये भी टाल और ये रहता है ड्रॉ इस तरीके। अब यहां पर देखिए दोनों रूल्स हैं इनकी बात करें तो जो फर्स्ट में देखिए यहां पर हम वापिस आते हैं यहां तक। देखिए अब इससे आगे का जो पार्ट है यानी ये जो पार्ट है इसकी ओर ध्यान न देकर केवल यहां तक ध्यान देना है अपने को, F1 जनरेशन तक ही अपने को देखना है फर्स्ट। तो F1 जनरेशन तक देखिए कि इस तरीके से हमने क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन में जो दोनों पेरेंट्स हैं मेल एंड फीमेल जो बोथ पेरेंट्स हैं इनमें से सिंगल पेरेंट्स के करेक्टर यहां पर शो होते हैं। देखिए कि यदि हम बात करें तो यहां पर ऑल प्लांट आर टॉल, सभी प्लांट जो है वो टॉल है, तो यहां पर ड्रॉफ जो प्लांट है तो ड्रॉफ प्लांट है एक भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब केवल इसके करेक्टर आए। और ये हमने टर्म्स देखी थी कि F1 जर्नेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो करेक्टर प्रेजेंट होगा वह डोमिनेंट करेक्टर होगा और जो करेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा वो रिसेसिव करेक्टर होगा। तो यहां पर देखिए केवल ये करेक्टर प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब ये कैसा हुआ डोमिनेंट। यदि हम बात करें यहां पर जो ड्रॉफ करेक्टर है वो रिप्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये कैसा हुआ रिसेसिव रिसेसिव इस प्रकार। तो यही रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंसी जो फर्स्ट रूल है। यदि हम इस रूल की बात करें तो रूल क्या हो जाएगा, देखिए जब जो कॉन्ट्रास्टिंग यानी वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले पेरेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन यानी जो क्रॉस पोलिनेशन कहें या फिर कहें हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन तो अब देखिए वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले पेरेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है तो इनसे F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। इस F1 जनरेशन में बोथ पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स के करेक्टर शो हुए एंड अदर सेकंड पेरेंट्स के करेक्टर शो नहीं हुए तो F1 कंडीशन में F1 जनरेशन में
जो करेक्टर शो हुए हैं, जैसे ये हुआ इसका जो करेक्टर शो हुए वो डोमिनेंट करेक्टर कहला रहे हैं, और इस करेक्टर को रिप्रेजेंट या कहें कि कंट्रोल करने वाला एलिल या जीन कैपिटल टी डोमिनेंट जीन कहलाता है। F1 जनरेशन में जो करेक्टर शो नहीं हुआ, जैसे ये यहां पर शो नहीं हुआ, सभी टाल है, तो F1 जनरेशन में जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाया, शो नहीं हो पाया, वह करेक्टर रेसेसिव करेक्टर एंड इस करेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन रेसेसिव जीन कहलाता है। यही ये रूल था। तो इस रूल के यदि हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन देखिए, देखिए जो डेफिनेशन है यदि हम इसकी बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको देखिए, क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए कोई भी वर्डिंग यूज ले सकते हैं, क्रॉस ले सकते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ले सकते हैं, या फिर कहें जो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, कोई सा वर्डिंग यूज में लेंगे। तो देखिए, क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स हु हैज वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। देखिए ये जो पेरेंट्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हैं, ये है इनके पास, तो इनके बीच में क्रॉस है, तो यही यहां पर है कि क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स हु हैज वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, देन F1 जनरेशन की इनसे F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, तो देन F1 जनरेशन विच करेक्टर एक्सप्रेस्ड कॉल्ड एज डोमिनेंट करेक्टर, कि F1 जनरेशन में जो करेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, शो हुआ है, वो डोमिनेंट करेक्टर है, एंड एलिल विच कंट्रोल दिस स्पेसिफिक करेक्टर, इन जो डोमिनेंट करेक्टर है उसको कंट्रोल करने वाला एलिल इज कॉल्ड डोमिनेंट एलिल। ये तो हुआ डोमिनेंट का। अब रिसेसिव के बारे में देखिए, एंड द करेक्टर विच डू नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, कि F1 जनरेशन में जो करेक्टर शो नहीं हो पाया इज कॉल्ड रिसेसिव करेक्टर, वह करेक्टर क्या हुआ रिसेसिव, एंड एलील या जीन विच कंट्रोल दिस स्पेसिफिक करेक्टर इज कॉल्ड रिसेसिव एलील या जीन। तो यह हमारा फर्स्ट रूल था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए सिंपल अर्थ में भी इसका बता देता हूं, सिंपल सा मीनिंग क्या है कि कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले मेल एंड फीमेल हैं, इनमें जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तब F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, इस F1 जनरेशन में जो करेक्टर रिप्रेजेंट हुआ है वो डोमिनेंट, और जो रिप्रेजेंट नहीं हुआ वो रिसेसिव। डोमिनेंट को कंट्रोल करने वाला जीन डोमिनेंट जीन, रिसेसिव को कंट्रोल करने वाला जीन रिसेसिव जीन, ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। अब तो देखिए ये जो रूल है ये तो एक स्पेसिफिक इसकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, लेकिन इसको हमेशा मैंने जो सिंपल सा जो इसकी डेफिनेशन है उसको भी लिखेंगे वो भी सही रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एज इट ऐसा कैसा ही लिखना रहता है इसको। इसके बाद देखिए हम आगे जो है सेकंड रूल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इस रूल को हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो ये जो रूल होता है ये रूल अब हमारा F2 जनरेशन के अकॉर्डिंग आएगा, तो इस जनरेशन के अकॉर्डिंग देखिए इस रूल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर ही जो सेकंड रूल दिया था मेंडल ने वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो जो सेकंड रूल है उसको हम F2 जनरेशन पर डिटरमाइन करते हैं, तो यहां पर ये F1 जनरेशन और ये हुई F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में देखिए कैसे कैसे जो प्लांट थे वो शो हुए हमारे पास, तो यहां पर देखिए F2 जनरेशन की यदि हम फिनोटाइप की बात करें तो यहां पर देखिए
एफ टू जनरेशन। और यदि बात करें फिनोटाइप, तो एफ टू जनरेशन में देखिए फिनोटाइप में हमें कैसे दिखाई दिए, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी है। तो हम ये कहें कि इसके अंदर हम शो करें तो देखिए टॉल प्लांट कितने हैं, थ्री। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो ड्राफ है, जो ड्रॉप है, ये वन। तो यहां पर देखिए कि थ्री और वन के रेशो के अंदर टॉल और ड्राफ्ट जो प्लांट है वो रिप्रेजेंट है एफ टू पीडी में। तो मेंडल ने ये देखा कि एफ वन जर्नेशन में ये जो ड्राफ्ट जो प्लांट है वो कभी शो नहीं हुए, लेकिन एफ टू में फिर से शो हो गए हैं। तो इस बेस पर मेंडल ने ये नियम जो है वो प्रपोज किया, और ये नियम है इसके अकॉर्डिंग देखिए कि जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे यहां देखे चाहे यहां देखे चाहे यहां देखे, जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है या गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, तो एक एलील जो रहता है यानी वन एलील वन गैमेट्स में एंटर करेगा, तो अदर जो सेकंड एलील है वो इसी गैमेट्स में एंटर नहीं करेगा। अदर एलील जो रहता है, अदर जो गैमेट्स रहते हैं, या दूसरे गैमेट्स में एंटर करेगा। ऐसे इसमें ये एलील इधर एंट्री करेगा तो ये एलील इस गैमेट्स में। तो ऐसे एफ वन जनरेशन के ये जो है इनमें एक एलील कैपिटल टी इस गैमेट्स में तो स्मॉल टी इस गैमेट्स में। ऐसे फीमेल में कि एक कैपिटल एलील इधर तो एक स्मॉल एलील दूसरे गैमेट्स में। तो इसने कहा कभी भी जब भी हम देखें तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जो है इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाएं तो कभी भी एलील मिक्स नहीं होते हैं। देखिए ये और ये एलील मिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इसकी हाइट 5 फीट है, इसकी हाइट 2 फीट है, तो बीच के अंदर कहीं 3 फीट हाइट के प्लांट बन जाए। तो मेंडल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं बनेंगे, बट यदि बात करें ये कहा कि यहां पर जो है सेपरेट होंगे गैमेट्स के अंदर जो एलील है वो सेपरेट होंगे, और एक गैमेट्स में एक एलील जाएगा, दूसरे गैमेट्स में दूसरा एलील जाएगा, कभी भी दोनों एलील एक गैमेट्स में नहीं आएंगे। तो जहां पर भी गैमेट्स होते हैं वहां पर हमेशा एक आएगा, दो में से एक। तो इसी बेस पर देखिए इसने क्या कहा कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन कहीं पर भी देखें, तो बोथ एलील ऑफ ए जीन, जो बोथ एलील यानी एक सिंगल एलील के दो, सिंगल जीन के दो एलील हैं, इधर भी एक जीन के दो एलील हैं, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि बोथ एलील ऑफ ए जीन सेपरेट टू ईच अदर, दोनों एलील एक दूसरे सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट होने के बाद एंड एंटर वन एलील इन वन गैमेट्स, कि एक एलील एक गैमेट्स में एंट्री करेगा, एंड अनोदर एलील एंटर इनटू अनोदर गैमेट्स, कि दूसरा एलील किसी दूसरे गैमेट्स में एंट्री करेगा, दोनों एलील एक गैमेट्स में एंट्री नहीं करेंगे। तो ये हुआ कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो है कि गैमेट्स जो है एलील हैं वो किस प्रकार से सेपरेट हो जाते हैं, सभी सेपरेट हो रहे हैं। अब यहां पर दूसरा इसका नाम दिया प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखिए सेग्रीगेशन क्यों कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि एलील हमेशा सेपरेट हो जाते हैं, कि एक पेयर में एक जीन के जो टू एलील्स हैं वो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में दोनों एलील हैं वो सेपरेट होते हैं। तो इसीलिए इसको कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जो सेपरेट होकर के एक एलील एक गैमेट्स में एंड अदर दूसरा एलील दूसरे गैमेट्स में एंट्री करते हैं, कभी भी दोनों एलील एक गैमेट्स में एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए कि दूसरी तरफ लॉ ऑफ प्योरिटी जो है, तो इसको देखिए जब गैमेट्स बनते हैं तो इसमें एक है, केवल एक एलील आया,
हाइट को कंट्रोल करने वाला एक एलील। तो जब सिंगल एलील है तो अपने आप में प्योर है, लेकिन ये ब्लैक कलर है। हम ये कहें कि एक ब्लैक कलर का मार्कर है, अब दूसरे की कोई संभावना नहीं है, अपने आप में प्योर हुआ कि ये ब्लैक ही है। और यदि ये कहें कि टू मार्क जो मार्कर हैं, तब हमें प्रेजेंट करना पड़ता है कि टू मार्कर हैं वो ब्लैक हैं या फिर रेड हैं, या फिर एक ब्लैक एक रेड है, कैसे हैं तब शो करना पड़ता है, यानी उनकी संभावना होती है। तो यहाँ पर जब सिंगल है तो उसकी कोई संभावना है ही नहीं कि एक सिंगल जो एक ब्लैक कलर मार्कर है, तो सीधा अर्थ हुआ कि वो ब्लैक ही है, अपने आप में प्योर है वो। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि एक ही एलील है तो इसका मतलब प्योर है, चाहे वो रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो प्योर हुआ। एक ये है तो डोमिनेंट है, ये हुआ तो रिसेसिव है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा गया। तो इस तरीके से मेंडल ने जो ये टू रोल्स जो रूल जो है या फिर के लॉ जो दिए थे वो मोनोहाइब्रिड के बेस पर दिए हुए हैं। अब हम बात करें, देखिए इससे ये प्रश्न जो क्वेश्चन आता है कि ये किस बेस पर है, मोनोहाइब्रिड के बेस पर है। अब जो अगला आएगा वो आएगा ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट, उसमें हमें टू करेक्टर्स जो है या डाई हाइब्रिड, देखिए यहाँ पर हमने एक करेक्टर लिया कि प्लांट जो है उसकी हाइट का हमने करेक्टर लिया, अगला जो रहेगा उसमें टू करेक्टर लेंगे, और टू करेक्टर जो मेंडल ने लिए सात सेवन करेक्टर, उनमें से कोई भी टू करेक्टर लेकर के हम इसको करेंगे। और दोनों में देखिए ये जो है एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल सेम इसी प्रकार से उसका रहेगा, उसमें टू जो जीन होंगे उनके एलील होते हैं उनसे क्रॉस करवाएंगे हम।